द्वंद्व दो मनुष्यों के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं, समान ज्ञान प्राप्त करते हैं। कारण, दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा एक गर्म। कभी सोचा है, लोहकार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती, जलन होती, आक्रोश होता है, वो गर्म लोहे के समान। और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष नामक गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। द्वारका में जो घटित हुआ वो केवल दुर्योधन और अर्जुन ही जानते हैं। दुर्योधन को केवल आपने भ्रम दिया और शक्ति दी अर्जुन को। नारायणी सेना को चुनना दुर्योधन का चुनाव था मित्र, मैंने तो उसे केवल विकल्प दिया। अब दुर्योधन ने क्या चुना ये तो उसका निर्णय, इसमें मैं क्या कर सकता था? आप जो कर सकते थे आपने किया माधव, और उसका परिणाम वही हुआ जो आप चाहते थे। यदि आप पक्षपाती नहीं होते तो अर्जुन को देखते ही आप उससे पूछते कि वो युधिष्ठिर के स्थान पर वहां क्या कर रहा है, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। यदि तुम दुर्योधन के चुनाव पर निराश हो तो खेल मैंने नहीं, उसके दम, उसके लालच, उसके अहंकार ने खेला है मित्र। आप भी भली भांति जानते हैं कि दुर्योधन युधिष्ठिर से कहीं अधिक सक्षम शासक है। इस समय भारत को शासक की नहीं, धर्म की आवश्यकता है, धर्मराज की आवश्यकता है मित्र। फिर भी मैंने तुम्हारे तथाकथित सक्षम शासक को विकल्प दिए मित्र, जो विकल्प चुनने में ही चूक गया, वो कैसा सक्षम शासक मित्र? और मेरे विकल्प का क्या, आपने मुझे विकल्प क्यों नहीं दिया? कौरवों और पांडवों के मध्य आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या आपकी दृष्टि में मेरा कोई महत्व नहीं केशव? मैंने तो सदैव तुम्हें विकल्प दिए मित्र, अब तुमने ही मुझे नहीं चुना तो उसके लिए तुम स्वयं उत्तरदायी। मैंने तो वर्षों पहले तुम्हारा सारथी बनना स्वीकार किया था मित्र, परंतु तुमने ही अलग मार्ग चुना। मैं तुम्हें सदा धर्म के लिए लड़ते देखना चाहता था, परंतु तुमने सदैव दुर्योधन के छल का साथ दिया। परंतु अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारे लिए अब भी अवसर शेष है मित्र। तुम मनुष्य श्रेष्ठ, परंतु अनुचित स्थान पर उचित स्थान का चुनाव करो मित्र। ये विकल्प नहीं है माधव, और यदि आप इसी को विकल्प कहते हैं तो आप ऐसा विकल्प मुझे अनेक बार दे चुके हैं, और मैंने सदा आपसे कहा कि ऐसा संभव नहीं है। मुझे इस बात का खेद रहेगा कि आप मेरे साथ नहीं होंगे, परंतु ये खेद मैं अपने मित्र को नहीं होने दूंगा, जिस मित्र ने मुझ पर विश्वास किया। आप अपना धर्म निभाइए,
और मैं अपना ऋण चुकाऊंगा वासुदेव। युद्ध में भेंट होगी प्रणिपात वासुदेव। नहीं मित्र, युद्ध से पूर्व हमारी भेंट होगी और मैं तुम्हें एक और अवसर दूंगा। तुम्हें आभास कराऊंगा कि जितना सम्मान तुम्हें चाहिए उससे कहीं अधिक सम्मान के योग्य हो तुम। अगली भेंट में तुम्हारी वास्तविकता से भेंट करवाऊंगा मित्र। तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम वास्तव में कौन हो। आशा है कि उस दिन तुम उचित विकल्प चुनोगे मित्र। अमाश्री, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बताओ क्या हुआ द्वारका में, और उस छलिया के रहते तुमने नारायणी सेना को कैसे अध्ययन किया अपने? अब बैठिए तो बैठिए। अरे आमाश्री, आज तक आप अपनी चालों से मुझे आश्चर्य में डालते थे, परंतु आज मैंने इतनी बड़ी विजय से आपको और सबको आश्चर्य में डाल दिया। सब इतने प्रसन्न है मेरे इस निर्णय से, सवाय मेरे मित्र कर्ण के। समझ में नहीं आता उसे अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मुझे सेना को छोड़ के उसने हत्ते कृष्ण को चुनना चाहिए था। आज वासुदेव हमारे साथ हैं, तो इसका सारा श्रेय पांचाली को जाता है। यदि तुमने अर्जुन को ना भेजा होता तो कदाचित ये संभव ना होता। आपका मेरे प्रति इतना विश्वास मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है आर्य, और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आप हस्तिनापुर के लिए अधिक योग्य शासक सिद्ध हों। अरे कोई जाओ समझाओ, बताओ उसे कि कितनी बड़ी भूल कर रहा है वो। भूल तो तुम कर रहे हो दुर्योधन। आज पहली बार मैं कर्ण से सहमत हूं। तुम्हें नारायणी सेना के स्थान पर कृष्ण को ही चुनना था, ये क्या कर लिया तुमने? अरे मैंने क्या किया मामाश्री? उस कृष्ण ने वहां वचन दिया कि वह युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएगा, तो फिर मैं नारायणी सेना को छोड़कर उस निहत्थे कृष्ण को चुनकर क्या कर लेता? अब हमारे विरुद्ध पूरी नारायणी सेना होगी जो हर प्रकार की व्यूहरचना में निपुण है। हमें अपने सैनिकों को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देना होगा। अब तक माधव हमारे साथ है नकुल, हमें किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आज वो हमारे पक्ष में होता तो पांडवों के लिए नहीं, आज वो हमारे लिए रणनीति बनाता, हमारे लिए। उसका वास्तविक अस्त्र तो उसकी नीति ही है। वो कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है ना, अरे महामायावी है वो, महामायावी। वो समय को अपने मुताबिक चलाना जानता है, और इतना ही नहीं वो अपने पक्ष के अनुसार परिस्थितियां भी बदल देता है। समझ गए? इसीलिए हम आरंभ से चाहते थे कि पांडवों से कैसे अलग कर दिया जाए उस छलिए को, परंतु तुमने इतना बड़ा अवसर गवा दिया। क्या किया ये है? क्या कर दिया ये तुमने? अरे समझ में नहीं आता है मुझे, क्यों
क्यों सब उस कृष्ण से इतना भयभीत हैं? क्यों? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। अब तो उसकी उसकी सेना भी मेरे अधीन है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। देखो दुर्योधन, अब इस बात पर वाद विवाद करके समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। जो हानि होनी थी वो तो हो चुकी, अब इस हानि की भरपाई करने का समय आ गया है। उचित कहा आर्य, अब चाहे जो हो जाए कौरवों की पराजय निश्चित है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, विजय धर्म की ही होगी। और वासुदेव के हमारे पक्ष में आने के साथ साथ न्याय और धर्म भी हमारे पक्ष में है, विजय हमारी होगी। न्यायानाम अधिकाराणाम, ये महाभारत भारत का नव निर्माण, भारत का नव निर्माण करे, नव निर्माण करे। अच्छा हुआ कर्ण तुम आ गए, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभा का आरंभ मैं सबसे पूर्व महाराज धृतराष्ट्र को राजकुमारी लक्ष्मणा के विवाह की बधाई देकर करना चाहता हूं। बधाई हो महाराज। और हां, अत्यंत खेद के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि ये अंतिम शुभ अवसर था जिसमें सारे कुरुकुल ने भाग लिया। हाँ, क्या पता इस युद्ध के पश्चात कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं। स्पष्ट रूप से कहिए गंधार राज, आपका तात्पर्य क्या है? अब से पूर्व तो आपने इस प्रकार के विचार कभी प्रकट नहीं किए, और अब जब दुर्योधन ने कृष्ण को ना चुनकर नारायणी सेना को चुना है, तो अब इस प्रकार के विचार क्यों? आपका प्रश्न उचित है महामहिम, परंतु यदि मैं अपनी भूल स्वीकार भी करता हूं तो क्या वो भूल मैं सुधार सकता हूं? कर्ण, तुम्हारा इस विषय में क्या कहना है? मेरा मानना है कि हमें वार्तालाप में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सेना को प्रशिक्षण देकर उन्हें और शक्तिशाली बनाना होगा। अपनी सेना में अधिक से अधिक महान योद्धाओं को एकत्रित करना होगा। मेरा एक और मानना है कि हमें युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। क्या तुम्हें भी यहां उपस्थित होने के लिए कहा गया? हाँ ब्रातश, मुझे प्रहरी ने निद्रा से उठाकर संदेश दिया कि हमें शीघ्र ही यहां उपस्थित होना है। परंतु क्यों और किसके आदेश पे? ये आदेश मैंने दिया है। चाली, इतनी रात में तुम ये? क्योंकि ये समय सोने का नहीं है धर्मराज, जागने का है। और जो बात मैं कहना चाहती हूं उसके लिए सूर्योदय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ऐसा क्या है पांचाली?
पांचाली, ये तिथि कैसी? ये वो तिथि है आर्य, जिस दिन हम कौरवों के विरुद्ध युद्ध आरंभ करेंगे। यदि ये युद्ध हुआ तो कितने योद्धा और कितने सैनिक मारे जाएंगे? महाराज, इस तथ्य से सभा में उपस्थित सभी मनुष्य अवगत हैं। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि हम में से किसी को युद्ध में जाने की आवश्यकता ना पड़े। महामहिम, जैसे पुराणों में मैंने पढ़ा है कि स्वयं भगवान भी अपने शत्रुओं को एक अंतिम अवसर देते हैं, तो क्या हम अपने शत्रु को अंतिम अवसर नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना महामहिम? गांधार राज, युद्ध होना निश्चित है और होकर ही रहेगा, और इसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं। जितना असहमत मैं गंधार नरेश की सोच से हूं, उतना ही असहमत मैं इस निष्कर्ष से हूं। हर परिस्थिति में संधि युद्ध से श्रेष्ठ होती है। हमें पांडवों से संधि वार्ता कर लेनी चाहिए। युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ है महाराज, हम इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पांडवों से शांति वार्ता करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि आप भी ये युद्ध रोकना चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते कि ये युद्ध हो। हमारा प्रयास है कि हस्तिनापुर के मस्तक पर इस महाविनाशी युद्ध का कलंक न लगे। ठीक है ताच्छ्री, यदि यह हस्तिनापुर के भविष्य का प्रश्न है तो हम अपने दूत को पांडवों के समक्ष भेजने की आज्ञा देते हैं। हमें उन तक संदेश देना है कि हस्तिनापुर भी इस युद्ध के विरुद्ध है, और युद्ध के अंतिम दिन मैं अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगी। जिस दिन दुर्योधन का अंत होगा। महाराज, ऐसे ये मेरा अंतिम निर्णय है कर्ण। हमें अपनी ओर से एक प्रतिनिधि चुनना होगा। क्या आपके मस्तिष्क में कोई नाम है महाराज? संजय। प्रणिपात महाराज, मुझे भी संजय के साथ जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। नहीं कर्ण, यह एक अत्यंत संवेदनशील प्रकरण है। हमें योद्धा नहीं, नीति परख मनुष्य चाहिए। विदुर, तुम संजय के साथ जाओगे। तो ठीक है, विदुर और संजय दोनों हस्तिनापुर की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर जाएंगे। ये एक पारिवारिक प्रकरण है और हम नहीं चाहते कि परिजन ही परिजनों का रक्त बहाए। उचित है पांचाली, उचित है।
अब ये युद्ध तुम्हारे बताए हुए दिन ही आरंभ होगा। और इसका संदेश हम कौरवों तक पहुंचा देंगे।